सर मैं आपको चैलेंज किया था कि वो i10 मुझे चाहिए था। हाँ तो ले लीजिए आप। कहाँ पर है सर? i10 का तो टैक्स फेल है सर। टैक्स फेल है? 145 में टैक्स फेल दे रहा है बंदा। आपके कैमरे के सामने झूठ बोलता है बंदा तो कस्टमर को क्या बोलेगा वो? जो गाड़ी का ऑडोमीटर टेम्पर्ड होगा, ऑडोमीटर के ऊपर बहुत सारा चीज होता है, टायर का चीज होता है, 1.5 लाख गाड़ी चला हुआ है उसका ऑडोमीटर टेम्पर्ड करके टायर चेंज करके आपको बोल देगा 25,000 चला हुआ है। कितने में दिया? ब्लैक कलर वरना कितने में दिया? 2,80,000। दादा आप कलकत्ता बैठे हो, इतना बुड़बक मत सोचिए। सभी को सब खुल्ला खुल्ला कर दूंगा, आपका चिट्ठा खोल देंगे। सेल आउट कर रहा है 2,00,000 में बीट। कौन लेगा सर बीट? आप लेंगे क्या? आप लेंगे? पर्सनली आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप लेंगे बीट? बीट नहीं लेंगे भाई। क्यों नहीं लेंगे सर? और चैलेंजिंग जो बोलता है ना, चैलेंज मैं आज उसको दे दूंगा। दादा को चैलेंज आज दे दूंगा मैं 1,15,000 में। 1,15,000? 1,15,000 में सीडन। और आपको एक वीडियो फुटेज भी मैं दिखा दूंगा, आपको सही लगे तो। मिलेगी आपको स्वीप? नहीं मिलेगी। 16 की गाड़ी 385 में कट दूं? क्या बात, 385 में लेके जाइए। चैलेंजिंग इसको बोलते हैं। गाड़ी कैसा है? अच्छा है। कैसे अच्छा बोल रहे हो गाड़ी को? गाड़ी रिपेंटेड ओरिजिनल। देखिए रिपेंट हो सकता है गाड़ी, रिफर्बिशमेंट के लिए रिपेंट हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। और ओडोमीटर टेम्पर्ड ये लीगली ऑफेंस है। वेलकम गाइस, कैसे भाई हो आप? बच्चे होंगे तो आज मैं फिर से एक बार आ गया हूँ ABR कार केयर में। और आज भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, लाइक अमेज, होंडा सिटी। और साथ ही साथ आज भी हम आपको नॉलेज देंगे जैसा कि हर बार कार का नॉलेज देते हैं अभिजीत जी। तो मिलेंगे हम अभिजीत जी से। तो नमस्कार अभिजीत जी। नमस्ते सर। तो कैसे हैं आप बताइए? सही चल रहा है, आपके भरोसे चल रहा हूँ। अच्छा। और आपका व्यूअर के लिए मेरा मस्त चल रहा है। बहुत कुछ मुझे फोन करके बोल रहा है कि आप अच्छा चीज बोल रहे हो, अच्छा चीज बता रहे हो। इसके लिए हम लोग को और भी मतलब अच्छा अच्छा चीज जानना जरूरी है, क्योंकि आप तो गाड़ी नहीं दे पाओगे सभी को। बहुत सारे डीलर लोग हैं जो ऐसा कटता है, दिखाता नहीं है गाड़ी को, उसको आप ठीक से ध्यान से बोलिए। अच्छा। जैसे हम ले सके गाड़ी को, तो आज बोलेंगे। और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हैप्पी दिवाली सभी को। सभी को आपके कस्टमर जितना भी ऑल इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, सभी को हैप्पी दिवाली। और भाई फोटा भी है, उसके लिए हम लोग का आज जो प्राइस होगा ना, प्राइस के ऊपर आज जो हम लोग बात करेंगे, प्राइस आज कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। और एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक गाना मैंने सुना, ठीक है, उसको नमस्ते। वो मेरा बड़ा भाई है, उसको नमस्ते करता हूँ, क्योंकि उसका रिस्पेक्ट बड़े भाई जैसा है, ऐसा नहीं है, मेरे से उम्र में बड़ा है, इसीलिए उसका रिस्पेक्ट है। और बाकी तो गाड़ी आप देख लीजिएगा क्या गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। एक गाना गाए थे कि दो घुट मुझे भी पिला दो शराबी। एक्चुअल में राजीव जी मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप जो छोटे मतलब आप जब छोटे थे उधर से आप जो जो चीज देख के बड़े हुए हो वही आप करोगे, है ना, आपका वही चीज होगा। तो शायद भैया की घर में और बाहर में कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, सुबह उठ के शराब पी लेता है शायद। अच्छा। यही चीज देख के बड़ा भाई बड़ा हुआ है, तो उसको शायद यही चीज होता है। मैं बोल रहा हूँ, मेरा डाइट आपको पूछना है मैं दे दूंगा, सुबह सुबह मैं क्या खाता हूँ, आप मत पीजिए ये सब। अच्छा। तो यही बोल के मैं शुरू करता हूँ। दाम में ज्यादा करेंगे, फोकस करेंगे उसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्विफ्ट से। स्विफ्ट है 2010 मॉडल है, 25 लाख टैक्स दिया हुआ है जी, लगभग 90% ओरिजिनल पेंट में, 90% ओरिजिनल पेंट, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है जी। ओके। 65,000 अराउंड चली हुई है, 65 के अराउंड चली हुई है। और इसका जो प्राइस होगा ना आज, मतलब क्या बोलूं सर, क्या बोलेंगे बताइए। ये प्राइस आज होगा, एक ही दाम बोलूंगा, 195 इसका प्राइस होगा। 195 सिर्फ 195 में आपको स्वीप मिल जाएगी, पुंटो नहीं मिलेगी। पुंटो नहीं मिलेगी? पुंटो का कितना दाम है? पुंटो तो अभी मुझे मुझे मेरा नॉलेज जितना है 50-60,000 1,00,000 के अंदर मिलता है। लेकिन अभी भाई लोग दादा लोग सेल करता है 1.5 लाख में, 1,60,000 में, जो गाड़ी स्क्रैप में जाता है अभी वो गाड़ी आके ले आके उसको देता है, तो वो रेट में मैं आपको स्वीप दे दूंगा। इसमें वारंटी हो जाएगा 1 साल का, इंजन गियरबॉक्स का वारंटी हो जाएगा, पैन इंडिया बेस्ड वारंटी है, आपको मिल जाएगी गाड़ी जी, जी। और आपके दर्शकों के लिए एक चीज बोलूंगा, अभी हम लोग का आज का मतलब जो वीडियो है ना, ये मेरा इज्जत रिस्पेक्ट और मेरा गाड़ी का जो मतलब गाड़ी का कंडीशन और जो प्राइस ये लेके ही होगा बिल्कुल।
और मैं और एक चीज़ बोलूँगा कि गाड़ी में आप सब कुछ देखिए, प्राइस को भी देखिए, क्या होना चाहिए, क्या होना, पहले गाड़ी देखिए बस भाई। तो प्राइस जानते हैं, 195 इसका प्राइस होगा। फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, 65,000 चली हुई है। अच्छा, अब आते हैं वरना में, ये डीजल है या पेट्रोल? ये डीजल में है, 1.6 में है, SX नहीं है। अच्छा। लेकिन आपको सभी कुछ मिल जाएगी इसमें, रियर पार्किंग सेंसर, कैमरा, सब कुछ मिल जाएगी। 12 की एंड की गाड़ी है, लगभग पूरा गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है। थोड़ा बहुत स्क्रैचेस जिधर है, मैं दिखा देता हूँ आपको, इधर स्क्रैचेस है। अच्छा, इधर स्क्रैचेस है, उधर थोड़ा स्क्रैचेस, मैं रिफर करूंगा उसको, कर दोगे आप? कर देंगे टाइम तक। फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, 55,000 चली हुई है जी। कलकत्ता में इसका प्राइस अभी मांग रहा है 3,65,000। 3,65,000, तो मैं रूरल साइड में बिजनेस करता हूँ, मुझे तो 3,70,000 मांगना ही चाहिए। क्या मांगू सर, इसका प्राइस क्या दे दूँ आज? 3,70,000 मांग रहे तो आप 3,50,000 तक दे दो, या 3,45,000 कर दूँ इसका? 3,45,000 340 कर दूँ इसका? 340 कर दीजिए। 335 कर दूँ इसका? अरे वाह, तो और अच्छा है, और बढ़िया है। 330 कर दूँ इसका? 3,25,000 तब आप बोलिए कितना करूँ इसको। 330 कर दीजिए, जब है आप कर सकते हैं तो। 3,25,000 में वारना दे दूंगा आपको, डीजल में, डीजल में। 12 की एंड की गाड़ी है, क्या बात है, 12 की एंड की गाड़ी, और भी शुरुआत है ये। हाँ। मैं दूंगा चैलेंजिंग। और सर मैं आपको चैलेंज किया था कि वो i10 मुझे चाहिए था। हाँ, तो ले लीजिए आप। कहाँ पर है सर, कहाँ पर? i10 का तो टैक्स फेल है सर। टैक्स फेल है, 145 में टैक्स फेल दे रहा है बंदा। क्या सामने ही वीडियो के, आपके कैमरे के सामने झूठ बोलता है बंदा, तो कस्टमर को क्या बोलेगा वो? 26 तक टैक्स था तो बोला था ना। मुँह से बोलता है या और कुछ से बोलता है मुझे पता नहीं होता। अच्छा, आ जाते तो ठीक है, बात कर लेते इसके बारे में। ये मेरा पहले का स्टॉक है। हाँ। पहले का स्टॉक में तो बहुत बढ़िया बढ़िया आज डिस्काउंट दे देंगे हम, क्योंकि हम लोग का और एक स्टॉक आने वाला है। हाँ। तो इसको खाली करना है, लेकिन बहुत वारंटी में है। 12 की गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, 22 तक टैक्स दिया हुआ है गाड़ी में। फर्स्ट ओनर की गाड़ी है जी, लगभग, और आप देख लीजिए, लगभग बंपर छोड़ के लगभग ओरिजिनल पेंट में है गाड़ी, लग रही है, चमक रही है। 47,000 अराउंड चली हुई है, पूरा गाड़ी आपका वारंटी में मिल जाएगी आपको। 1 साल का पैन इंडिया बेस्ड वारंटी मिलेगी आपको, थ्रू आउट बाई मारुति। कोई डीलर बोलेगा आपको कि मैं दे दूंगा वारंटी, आप मत विश्वास कीजिए, क्योंकि डीलर दे नहीं पाता है। गैरेज से आपको क्या क्या देगा, क्या देगा वारंटी में, क्या प्राइस में देऊं सर इसको? क्या प्राइस में देंगे? डिजायर ये देखिए, न्यू लुक है, न्यू लुक और व्हाइट कलर का पेट्रोल डिजायर का जो डिमांड है ना सर, काफी। मैं पहली बार शायद 2,295 बोला था इसका, मैं आज दे दूंगा 2,80,000 में। 2,80,000 में, 280 में आपको मिल जाएगी। मैं क्या बोलूं सर, 2,00,000 में बीट सेल आउट कर रहा है। 2,00,000 में बीट सेल, कौन लेगा सर बीट? आप लेंगे क्या? आप लेंगे? पर्सनली आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप लेंगे बीट? बीट नहीं लेंगे भाई। क्यों नहीं लेंगे सर बीट? भाई कंपनी नहीं है ना, तो कंपनी नहीं है तो मैं लूंगा। कस्टमर को बुरबक बना के फायदा है सर। हाँ, कस्टमर को बोलिए आप, प्राइस अगर वो रहे तो मैं ले सकता हूँ। पैसा तो 2,00,000 में लेंगे बीट? 2,00,000 में नहीं लेंगे भाई। तो सर आप कस्टमर को बोलिए कि कस्टमर पैसा थोड़ा जमा के अच्छा गाड़ी, अच्छा चीज जो मार्केट में चल रहा है वो लीजिए। मेरे से मारामारी करके कुछ फायदा नहीं है, कस्टमर को अच्छा चीज दीजिए। बिल्कुल राइट। और शराब पीना बुरा बात है, मत पीजिए सुबह सुबह शराब। क्या बात है, मत पीजिए। और चैलेंजिंग जो बोलता है ना, चैलेंज मैं आज उसको दे दूंगा। अच्छा। दादा को चैलेंज आज दे दूंगा मैं, और शायद पापा जी का, पिताजी का पैसा लगा हुआ है, खुद से कुछ नहीं किया हुआ है शायद। अच्छा। इसीलिए दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कभी भी मैंने इस पहले वाला वीडियो में कभी भी नहीं बोला मैंने कि रिसेल टायर के बारे में बोला ही नहीं। हाँ। मैंने क्या बोला, 700-800 में आपको सूता वाला टायर मल्लिक बाजार में मिल जाएगी। इसके मतलब क्या हो जानते हो? क्या? एक 30,000 ओरिजिनल 30,000 चली हुई गाड़ी और एक 1,50,000 चली हुई गाड़ी में फर्क क्या है सर? बहुत फर्क है। 1,50,000 चली हुई गाड़ी होगा, थर्ड ओनर का गाड़ी होगा, तो उसका तो प्राइस 30,000 ओरिजिनल चला हुआ गाड़ी का जैसा नहीं होगा। नहीं होगा। तो वो उसमें क्या चैलेंज करेगा? वो 1,50,000 का चला हुआ गाड़ी को 30,000 मीटर टेम्पर्ड करके वो सूता वाला चक्कर लगा के सेल आउट करता है। अच्छा, ये मैं बोलना चाहता हूँ, भूसा भरा हुआ है दादा लोग के अंदर, अंदर मन में भी भूसा भरा हुआ है, दिमाग में तो छोड़ ही दीजिए। एक रेस्पेक्टेड बंदा अंकल जी बिजनेस करता है हावड़ा में, पिताजी को भी रेस्पेक्ट देता नहीं है शायद, मुझे जितना भी अभी मतलब मुंह से जितना भी, क्या ये कल्चर्ड है? और कुछ नहीं, ये कल्चर है। इसके बारे में जान, होंडा सिटी, ये होंडा सिटी है।
इसका भी पहले वीडियो में था, होंडा सिटी लेके तो अभी मारामारी हो रहा है पीछे। अच्छा। क्यों मारामारी हो रहा है? कोई भी बंदा टैक्स नहीं बोल रहा है, टैक्स नहीं बोल रहा है। होंडा सिटी का टैक्स 50 से 55 हज़ार आता है, तो आप टैक्स पे गाड़ी सेल आउट करके क्या करोगे, क्या करेंगे? राइट, ठीक है। आपका गाड़ी का, आप गाड़ी चलाते हो, लाइसेंस आज रिन्यू करने का दिन है और 15 दिन बाद रिन्यू करने का दिन है, तो उसमें फाइन लगेगा ना आपको? फाइन लगेगा, है ना सर? फाइन तो फाइन कौन भरेगा? डीलर भले भरेगा, वो तो बोल ही नहीं रहा है। हाँ। वो तो बोल ही ना नहीं रहा है। अच्छा, ये देखिए, इसको बोलता है VMT। हाँ। एलर व्हील कंपनी फिटेड है, बाहर से लगाया हुआ नहीं है। बिल्कुल सही बात। मेरा गाड़ी में, मैं ऐसे कमिट करता हूँ, मेरा गाड़ी में कोई भी, मैं, मेरा मुंह से निकलेगा ये गाड़ी इतना चला हुआ है, कोई प्रूफ कर दे आके कि ये ओडोमीटर टेम्पर्ड है। मैं जो गाड़ी ओडोमीटर टेम्पर्ड होगा, मैं उसको खुद से बोलूंगा, दादा मुझे जानकारी नहीं है यह गाड़ी का, आप चलाइए गाड़ी को, पसंद आ जाएगा तो मैं देख लूंगा। आप बोलेंगे सर्विस हिस्ट्री मंगाने के लिए, मंगा दूंगा। मैं कमिट नहीं करता हूँ, जितना गाड़ी में मैं कमिट कर रहा हूँ ना, कोई डीलर आके बोल पाएगा कि इसका ओडोमीटर चेंजेस है, उसको दादा फ्री में, और फ्री में तो फ्री में, I10 वाला फ्री नहीं, 11 वाला टैक्स फेल वाला I10, बाप रे बाप। मैंने तो वीडियो देख के दादा को बोला, दादा मुझे दे दीजिए मेरा एसेंट, आप 50,000 में ले लीजिए। रिस्पॉन्स ही नहीं है। आपको भी तो बोला था, आप थोड़ा बोल दीजिए, आपको बोला था ना मैंने, दादा से बात कीजिए, मुझे चाहिए चाहिए। क्या बोला सर? मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, गाड़ी टैक्स फेल है। अच्छा। मुझे बोल गया, बोला गया था 26 तक टैक्स दिया हुआ, आके अभी बोल रहा है नहीं टैक्स फेल, आपको 145 में लेना होगा। अरे। तो ये कैमरा के सामने बैठ के खड़ा हो के झूठ बोलता है बंदा लोग। तो बाहर आप लोग जब नहीं रहते हो, कस्टमर से कैसे डील करता है आपको पता है? देखिए, एक रिस्पेक्ट कैसे बनता है, मैं वीडियो के सामने जो बोलूंगा सच बोलूंगा, वीडियो के आफ्टर वीडियो भी उसको, वो जो बोलूंगा उसमें खरा उतरूंगा। राइट राइट, है ना? हाँ, एकदम। आफ्टर वीडियो चैलेंज ले लूंगा, काचरावाड़ा का एक छोटा बंदा बिजनेस करके आपको फेल आउट कर रहा है, उससे मारामारी करने के लिए आप झूठ बोल रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो कस्टमर को, क्या फायदा सर? क्या फायदा? ये करके फायदा नहीं, नहीं। आज अभी तो मुझे खुश होने, मतलब खुशी का दिन है, बहुत सारा कस्टमर लोग बोल रहे हैं आप वीडियो बनाते हो, इसीलिए थोड़ा बहुत डिटेलिंग में आया हुआ है अभी डीलर लोग, ये तो आप भी मानते हो, मानते हैं डिटेलिंग में, और भी डिटेल में आज एक टिप्स दे दूंगा, आपको भी बोलना है, टिप्स दे देंगे। बहुत सारा डीलर का गाड़ी बिकना बंद हो जाएगा दादा, वो उसमें कमिट कर देगा ना, वो मैं जो बोलूंगा उसमें। देखिए कितना डीलर है कलकत्ता में, कोई भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि बंदा सच बोल रहा है। कौन कौन रिस्पॉन्स किया? जिसके पीछे मिर्ची लगा। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, वही रिस्पॉन्स किया। हाँ, और मिर्ची लगेगा, और लगेगा। चलिए आगे एसेंट, फिर से। अच्छा, एसेंट लेके मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ, सही में ये गाड़ी मैं आज ऑफर दे दूंगा। हाँ, मैं पुंटो 50,000 का गाड़ी 1.5 लाख मांगता नहीं हूँ, ये गाड़ी 50,000 में दे दूंगा। हाँ, और एक 2 लाख का गाड़ी मैं 4 लाख मांग लूंगा। बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। तो ये लेके भी मारामारी किया ना। हाँ, नौ की गाड़ी 24 तक टैक्स, सेकेंड ऑनर गाड़ी है। हाँ, GLE मॉडल है। बिल्कुल, ये गाड़ी मैं दे दूंगा आज 1,15,000 में। 1,15,000, 1,15,000 में सीडन। क्या बात। और आपको एक वीडियो फुटेज भी मैं दिखा दूंगा, आपको सही लगे तो दिखा दीजिएगा। 4 का गाड़ी 2 महीने पहले, ये क्या क्या मतलब गरम चक्का, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गरम चक्का ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है। 4 का गाड़ी 75,000 में बिका, 4 का गाड़ी 75,000, उसका भी वीडियो मेरे पास है, नॉलेज मेरे पास भरपूर है, आपको लेना है। हाँ, सुबह सुबह मत पी के आइए, मैं दे दूंगा, दे दूंगा। राइट, ठीक है, ये 15 में दे देंगे भाई, क्या बात। 9 की गाड़ी 24 तक टैक्स। राइट, आपका एसेंट, एसेंट गाड़ी में कोई भी, और ये चैलेंज करता हूँ, आप वो गाड़ी भी देख के आइए। हाँ, और ये गाड़ी भी देखिएगा। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होगा फ्री में दे दूंगा गाड़ी, क्या बात है, फ्री में। हाँ, इतना तो ले सकूंगा, 1 लाख का नुकसान मैं ले सकूंगा दादा, वो ले पाएगा? क्या बात है, दादा ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। 20 गाड़ी दिखाता है 50,000 का, 50,000 60,000 का उसका रिसेलिंग है, 20 गाड़ी दिखाने में उसका कितना लगता है, 10 लाख 12 लाख 13 लाख 14 लाख, मैं दिखा नहीं पाता हूँ, जितना भी दिखाऊंगा अच्छा गाड़ी दिखाऊंगा, अच्छा कितना गाड़ी। क्या 12 का गाड़ी दिखाया, 12 का गाड़ी, 10 का गाड़ी, 16 का गाड़ी दिखाऊंगा, 15 का गाड़ी दिखाऊंगा। ये गाड़ी आपके लिए अभी मेरे पास बुकिंग हो चुका है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बुकिंग हो गया।
ये गाड़ी मेरे पास बुकिंग हो चुका है, कस्टमर का जो रिव्यू है ना मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, लगा देंगे हम। कस्टमर कहाँ का है जानते हो? रानीगंज से आया हुआ था, रानीगंज से को लेके आया था। अच्छा, मुझे मतलब यही चीज बोला, आप गाड़ी मुझे आपका वीडियो में ही पसंद आ गया और आपका बातों के ऊपर। ये वही गाड़ी है ना जो हम लोग दिखा रहे थे, डिटेलिंग में दिखा रहे थे। अच्छा, माथा इतना ठोकेगा, ठोकी रहा है मतलब कलकत्ता में भौंका लगाया। अच्छा, क्या बोलो सर। एक और एमएस आ गई, और एक एमएस लेके आया हम लोग। ये 16 की गाड़ी है। अच्छा, इसमें आप चैलेंज करो 16 की गाड़ी में, चैलेंज 16 की गाड़ी में, ठीक है? 2 का गाड़ी, 4 का गाड़ी, 5 का गाड़ी, 6 का गाड़ी, 7 का गाड़ी में क्या चैलेंजेस है? 6 का गाड़ी सीएफ फेल होगा, 1 महीना सीएफ रहेगा। अरे सर, मैं उसको समझ में नहीं आता है कि कस्टमर लोग ये सब मांगता नहीं है, मांगता नहीं है। उसका जो रिव्यू है ना, डिटेलिंग है, एसएमएस है, ओएलएक्स में, सॉरी यूट्यूब में और आपका फेसबुक में आपका जो रिव्यू है देख लो, बहुत सारा बंदा बोल रहा है आप 10 से ऊपर का गाड़ी दिखाए, 12 का गाड़ी दिखाए, 13 का गाड़ी दिखाए। अरे लेके आता ही नहीं है, क्यों जानते हो? ये वो दादा लोग का यही स्ट्रेटजी है, 6 का गाड़ी लेगा, 2 महीने बाद माथा पकड़ के बोलेगा दादा वापस ले लीजिए, 50 में बिकेगा, 10,000 में लेगा, फिर 50 में बिकेगा। अच्छा, ठीक है, चलिए। ये कितने में बिकेगा? 16 की गाड़ी, हाँ, टॉप मॉडल 26 का दिसंबर तक टैक्स। क्या बात है, 26 टैक्स, i10 के जैसा फेल नहीं है। अच्छा, i10 दिखा के ऐसे चला गया। अच्छा, क्या हुआ था i10 में? कोई बैठा हुआ था शायद, पता नहीं, कोई बैठा हुआ था, डर लगता है यार। अच्छा, देखिए और एक चीज बोलना चाहता हूँ, कोई भी बंदा लोग 6 साल से बिजनेस करता है, बहुत रिस्पेक्टिव बंदा लोग बिजनेस करते हैं, मैं चाहता हूँ 50 साल और बिजनेस करे, लेकिन कोई भी, मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ, 6 साल बिजनेस करे, 7 साल बिजनेस करे, फ्रॉड करके बिजनेस मत कीजिए। राइट, तो मैं वो फ्रॉड बंदे लोग को बोलूंगा, दादा आपका टाइम खत्म, अपना टाइम आएगा, उसका टाइम खत्म है, आ गया टाइम, ठीक है, आ गया टाइम, भरोसा कर रहा है कस्टमर लोग। अभी मेरा एक स्विफ्ट दिखाया था आप, हैदराबाद से आके लेके गए, ठीक है, मतलब फोन में बात करवाओ, दादा से फोन में बात करवाओ, 12 लाख रुपए फॉर्चुनर के लिए एडवांस करके गया मेरे पास। अरे बाप, ठीक है, तो ये भरोसा है और कुछ नहीं। कार भी यहाँ पे देख लो भाई, सब टॉप मॉडल 16 की गाड़ी, और भी एक 16 की गाड़ी दिखाऊंगा, और एक भरना दिखाऊंगा ना। और इग्निस का क्या हुआ? जो इग्निस तो निकल गया, उसमें प्राइस भी कुछ मिला था ना, बोल रहे थे 395 में इग्निस दिया दादा को, मतलब इतना खुश हुआ मतलब और क्या बोलूं इतना खुश हुआ मुझे कल ही, मतलब उसको फोन करके, एक मेरा प्रॉब्लम था तो उसके लिए मैं फोन किया था, कृष्णनगर का बंदा लिया हुआ है, उसको फोन किया था, तो वो मुझे फोन घुमा के बोला दादा क्या प्रॉब्लम है। उस टाइम में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था, इसीलिए मैं बोला नहीं दादा बहुत रात हो चुका था। अच्छा, ठीक है, तो सभी मेरा जो जितना भी कस्टमर है बहुत बढ़िया कस्टमर है, मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट करता है मैं जवान से नहीं बोल पाऊंगा सर, मतलब मैं बोलता हूँ सर आधा घंटा बैठी है मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा छोटा ऑफिस है, मैं ही खुद काम करता हूँ, सब कुछ मैं ही देखता हूँ, तो मेरा कोई हैंड्स नहीं है, हैंड्स होगा तो वो झूठ बोलेगा, ये झूठ बोलेगा, कस्टमर नष्ट होता है। बोला मैं 2 घंटा बैठूंगा, 3 घंटा बैठूंगा, 4 घंटा, आप कीजिए काम, गाड़ी लेके जाऊंगा। इसका प्राइस आज बोलेंगे आप, आज आप बोलेंगे 16 की गाड़ी, 16 की एमएज कलकत्ता, 26 लास्ट तक, लास्ट 8 नहीं, 21 नहीं, लास्ट पूरा लास्ट 26, हवाई जहाज में 26 जाएगा। क्या बात, कलकत्ता में वो राजा बाजार में रहता तो 5 लाख मांग लेता शायद। ठीक है, आप कितना मांगे? चलो देखिए, गाड़ी मंगा के सेल करेंगे, किसी का गाड़ी मंगा के सेल करेंगे तो 2 दिन के लिए ही आपको बुकिंग रखना पड़ेगा, फिर फॉरफिट हो जाता है, उधर बुकिंग भी फॉरफिट हो जाता है, बुकिंग प्रॉफिट हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ ना, कमेंट्स देखिएगा, मेरा फॉरफिट हुआ है, मेरे फॉरफिट हुआ है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, पानीपत का एक कस्टमर का व्यू रिव्यू है। अच्छा, खटारा गाड़ी दिया, नेम ट्रांसफर करता नहीं है, पेपर नहीं देता है,
बाप रे बाप, इतना है, इतना है, इतना नॉनसेंस बंदा है। मतलब ऐसा भी मैंने रिव्यू देखा कि चोरी का गाड़ी है बोल रहा है क्या? मतलब कस्टमर लोग बोल रहा है शायद उसका गाड़ी का पेपर भी नहीं देता है, नेम ट्रांसफर भी करता नहीं है, चोरी का गाड़ी है, ऐसे बोलता है। ऐसा रेप्यूटेशन बनाने से फायदा होगा सर? नहीं, आपका चैनल का बदनाम होगा। आज एक टिप्स दूंगा आपको, मेरे संग बोलना है आपको लास्ट में, कलकत्ता का बहुत सारा डीलर हिल जाएगा। अरे क्या बात, इसका प्राइस जान लेते हैं। इसका प्राइस मैं 5 लाख, 4.5 लाख कर दूं इसका? 4.5 लाख कितने में दे दूं? 4,20,000 में दे दूं? दे दीजिए। नहीं, 420 हो जाएगा फिर। 420 हो जाएगा ना, कम कर दीजिए आप। 4,15,000 में कर दूं? 15 कर दीजिए। 4,10,000 में कर दूं? 10 कर दीजिए। 4,05,000 में कर दूं? 4,00,000 में कर दीजिए पूरा। 395,000 में कर दूं? अरे और भी कम है, अरे क्या बात है। 390,000 में कर दूं? कर दीजिए। 16 की गाड़ी है होंडा का, ये इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू, न्यू शेप है भाई। स्वीप नहीं मिलेगी आपको, स्वीप नहीं मिलेगी 16 की गाड़ी। 385,000 में कर दूं? क्या बात, 385,000 में लेके जाइए। चैलेंजिंग इसको बोलते हैं, चैलेंजिंग इसको बोलते हैं। 16 की गाड़ी, इंटीरियर दिखाओगे ना पूरी एकदम। और ये गाड़ी में कोई बंदा आके, ये गाड़ी में कोई बंदा आके एक फुट कोई भी चीज लेके मुझे बोल दीजिए, नहीं निकाल सकते है। कोई भी राइट, मैं उसको 50,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। क्या बात, 50,000 का डिस्काउंट, 50,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। क्या बात, राइट, ठीक है, ओके। अब आज वीडियो को उतना बड़ा नहीं बनाऊंगा, लोग का क्या है ना, टायर का सूता तो अभी बंद हो चुका है, टायर का सूता भी नहीं दिखाता है आप लोग। मैं यही चाहता हूँ कस्टमर लोग सामने से क्रॉस क्वेश्चन करे कि गाड़ी कैसा है, अच्छा है, कैसे अच्छा बोल रहे हो गाड़ी को, गाड़ी रिपेंटेड ओरिजिनल, देखिए रिपेंट हो सकता है गाड़ी, रिफर्बिशमेंट के लिए रिपेंट हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। और ओडोमीटर टेम्पर्ड ये लीगली ऑफेंस है, एक ऑफेंस है। आपको ओडोमीटर टेम्पर्ड का गाड़ी आपको मिले, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। अरे क्या बात, ठीक है। तो ये डर होना चाहिए डीलर लोग को कि मैं दूंगा, सामने बोल के दूंगा, सर मेरा ओडोमीटर टेम्पर्ड है, लेकिन गाड़ी बहुत बढ़िया है, आप लीजिए, नहीं तो दूसरा गाड़ी लीजिए, कमिट कीजिए। कस्टमर का भरोसा ऐसे नहीं आएगा। राइट राइट, आगे देखते हैं क्या क्या कार है। और तो एक वरना की तरफ आ गए अभिजीत जी, क्या खबर है इसके बारे में? सर पुंटो में, पुंटो देके क्या फायदा, फेविया था बंदे के पास, अभी तक खड़ा है, अभी तक खड़ा है। क्यों? कस्टमर को पता है लेने का कोई मतलब नहीं, पुंटो 1.5 लाख रुपये और चक्का कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी, दादा को कुछ भी पता नहीं है, इसी घर में रहता है, बस वही चीज़ है। और कस्टमर को मोल्ड करता है और कोई फोन भी नहीं उठाता। ये गाड़ी आज मैं दे दूंगा ना, आपका दादा का एक वीडियो आने वाला है, आज आया है शायद, अच्छा। एक बढ़ना 1.4 गाड़ी है ना, पेट्रोल कितने में, कितने में दिया, ब्लैक कलर वरना कितने में दिया, 2,80,000। दादा आप कलकत्ता बैठे हो, इतना बुड़बक मत सोचिए, सभी को सब खुल्ला खुल्ला कर दूंगा, आपका चिट्ठा खोल देंगे। क्या बात है, आपसे उम्र में छोटा हूँ, आपको पता होना चाहिए सामने कौन है। चैलेंज ले लिया मैंने 145 में, दादा दे नहीं पाए मुझे, अभी सामने से झूठ बोलता है, आपका टैक्स ले लें। देखिए सच बात बोलना ना, छोटे से छोटा उम्र से आना चाहिए, सच बात बोलना ना, छोटा उम्र से आना चाहिए। दादा का पैसा 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 करने से कुछ नहीं होगा, पैसा 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 देखेगा हो जाएगा। क्या प्राइस जानते हैं इसका? आज का प्राइस मैं दे दूंगा 2,70,000। 2,70,000, 2,65,000, 65,000, 2,60,000, 60,000, 2,50,000, 50,000, और क्या, घुमा घूम रहा है सर आपका, घूम रहा है, 2,45,000, 45,000, 2,40,000, 40,000, फाइनल, फाइनल 2,40,000, 2,40,000 में भरना, 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 1.6 SX, अलॉय व्हील दिखा दीजिए इसका, अलॉय व्हील देख लीजिए क्या बात है, ये इसको बोलते हैं SX, SX, वाह, सही बात है, इसको बोलते हैं चैलेंजिंग प्राइस, चैलेंजिंग प्राइस, 18,000, आप उसका क्या बोले, 2,80,000 ना, कौन सा, 2,80,000 कोई मेरे से होगा नहीं, हाँ 2,80,000, वीडियो देख लीजिएगा, ये आ गया, सॉन्ग चल रहा है, ठीक है।
फोर्ड फिगो 145,000 में बिक रहा है बंदा, 145,000 में, हाँ 145,000 में फोर्ड फिगो दे रहा है, दिख रहा है, हाँ 12 का गाड़ी दिख रहा है, हाँ ठीक है, हार्ड ओनर गाड़ी बिक रहा है, हार्ड ओनर गाड़ी, हाँ मुझे इस बंदे का सब पता है, अच्छा क्या बात है, आप पूरा डिटेलिंग लेते हैं हर वीडियो का, क्यों नहीं लूँ, मेरे कस्टमर से कोई भी कुछ करेगा तो मुझे बुरा लगेगा, राइट, इन्फॉर्मेशन लेता हूँ मेरे कस्टमर के लिए, मेरे लिए नहीं, कस्टमर मैं बोलता हूँ मेरे से मत लीजिए गाड़ी को, जिधर से आपको मन बनाइए उधर से लीजिए गाड़ी, ठोक बजा के लीजिए, इसका प्राइस डीजल में है, ZXI मॉडल है, डीजल में ZXI मॉडल 12 की लास्ट की गाड़ी है, 12 की 22 का लास्ट तक इसका टैक्स दिया हुआ है, इंश्योरेंस कंप्लीट दिया हुआ है, इसका आज मैं प्राइस दे दूंगा 138 में, मैं आज डीजल का प्रोवाइड करूंगा। अब आगे यहाँ पे अब आगे अगली कार की तरफ, जो कि एक आखिरी कार है i10 ग्रैंड है, ग्रैंड i10 ऐसा i10 नहीं है, टैक्स फेल है और घुमाने वाला i10 नहीं है, ये ग्रैंड i10 है, 9 को आपका वीडियो आया, 9:15 में बोल रहा है सेल आउट, ये नया गाड़ी है क्या, अच्छा 10 मिनट में सेल हो जाता है, क्या पता, तो फिर एक 9 की गाड़ी लेगा बंदा, 10 की गाड़ी लेगा, ठोक बजा के नहीं लेगा, फोन में ही बुकिंग हो जाएगा क्या, क्या ऐसे होता है सर, आप खरीदते हो पूरा उसका देख के खरीदते हो, तो यही बात है, 16 की गाड़ी 1.2 स्पोर्ट्स मॉडल i10 ग्रैंड, फर्स्ट ओनर की गाड़ी, पूरा इंजन वारंटी में है, सस्पेंशन वारंटी में है, गियर बॉक्स वारंटी में है, एसी वारंटी में है, स्टीयरिंग वारंटी में है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम वारंटी में है, फ्यूल सिस्टम वारंटी में है, इंजेक्शन सिस्टम वारंटी में है, बंदे को पता भी नहीं होता है इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है, शायद बोलता ही नहीं है, ये गाड़ी इतने में वो लड़ाई करने बैठा है, क्या करेंगे लड़ाई करके, 16 की गाड़ी, पूरा गाड़ी ओरिजिनल में है, अभी पॉलिश हो रहा है गाड़ी, टॉप मॉडल में, स्पोर्ट्स के बाद एस्टा भी आता है, ये मतलब उस टाइम में स्पोर्ट्स ही आपका है, चलिए प्राइस जानते हैं इसका, कितने में दे दूं सर, 16 की गाड़ी i10 ग्रैंड, आप बोलेंगे सोच के आप प्राइस देंगे इसका, ग्रैंड i10 ना, ग्रैंड 2,80,000-90,000 के आसपास, नहीं इतना कम में नहीं मिलेगा सर, i10 ग्रैंड नहीं मिलेगा आपको, अच्छा कम में 16 की गाड़ी, हाँ। आपको 2,80,000 में 13 की ग्रैंड i10 मिल जाएगी, 14 की ग्रैंड i10 मिल जाएगी, ऊपर जाएगी इसके ऊपर ही जाएगी, अच्छा। क्योंकि अभी ग्रैंड i10 का बहुत मतलब i10 से इसका माइलेज बहुत ज़्यादा है और अंदर का स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये गाड़ी का रीसेलिंग बहुत ज़्यादा है, अच्छा तो कप्पा इंजन के साथ आता है ये गाड़ी का आज का प्राइस होगा 355 कलकत्ता का डीलर लोग इसका 95 410,000 3,00,000 प्राइस रखते हैं 95 ऐसा ही मांग रहा है, अच्छा ठीक है, आज जो टिप्स देंगे राजीव भाई आपको भी बोलना है, क्योंकि बहुत सारा डीलर सही गाड़ी बिक्री कर रहा है उसका गाड़ी सेल आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा गंदा आदमी ये बिजनेस में जोड़ चुका है, अच्छा ठीक है, कस्टमर जाएगा डीलर सामने बैठ के कमिट करेगा, गाड़ी का ओडोमीटर टेम्पर्ड नहीं है, जो गाड़ी का ओडोमीटर टेम्पर्ड होगा, ओडोमीटर के ऊपर बहुत सारा चीज़ होता है, टायर का चीज़ होता है, 1.5 लाख गाड़ी चला हुआ है उसका ओडोमीटर टेम्पर्ड करके टायर चेंज करके आपको बोल देगा 25,000 चला हुआ है 30,000 चला हुआ है, आपको एक चीज़ भी बोलना चाहता हूँ मैं, वर्कशॉप से सर्विस नहीं होगा, आपको सर्विस हिस्ट्री नहीं मिलेगा, पकड़ के चलिए आपका दो साल वर्कशॉप में सर्विस हुआ वो 2 साल का ही मिलेगा, फिर का बाद में बाहर में सर्विस हुआ आपको सर्विस हिस्ट्री नहीं मिलेगा, तो वो बंदे लोग इसका उठाता है लाभ, क्या करता है 1.5 लाख चला हुआ गाड़ी एकदम लास्ट सर्विस जो होता है एकदम लास्ट, पकड़ के चलिए 50,000 में उसका लास्ट सर्विस हुआ वो डाल देता है, अच्छा वो टेम्पर्ड कर देता है, टेम्पर्ड करने के बाद टायर चक्का चेंज करके बोलता है सूता निकला हुआ है, ये सूता निकला हुआ है, ये देखिए ऐसे बोलता है ये सूता निकला हुआ है, तो क्या फर्क है, आपको बोलना है आपके लिए, आपका व्यूअर के लिए भी बोलना है कि जब भी मेरे चैनल से आप गाड़ी लेते हुए जाइए आप थोड़ा ओडोमीटर के कमिटमेंट लीजिए, ओडोमीटर का कि इसका सही है कि नहीं, नहीं होगा तो आप बोल दीजिए सामने से, और होगा तो आप कमिट कीजिए इसका ओडोमीटर ये है, देखिए कौन कितना डीलर इसका कमिटमेंट में खड़ा उतर पाएंगे, राइट है ना सर, एकदम आपको भी सही लगा ना ये चीज़, ये चीज़ सही लगा हमको, कि गाड़ी चलाने के पहले आप गाड़ी का हिस्ट्री जानिए, राइट
चला के तो आप देख ही लेंगे गाड़ी इलेक्ट्रिकल पार्ट आज चलाएंगे कल खराब हो सकता है, लेकिन गाड़ी का पहले हिस्ट्री जानना है, गाड़ी कौन कौन सा कस्टमर यूज़ करता था, कैसे यूज़ करता था, उसका टायर देख के, उसका ओडोमीटर, अंदर का सीट कवर, अंदर का सीट कवर भी चेंज कर देता है। तो गाइज आई होप कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा टिप्स भी मिला होगा और बहुत कुछ ऐसा चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन भैया देते हैं जो कि मैं भी फॉलो करता हूँ या मेरे को भी अच्छा लगता है। तो अब भी भाई उसको समझो, देखो, और बाकी ओवरऑल गाड़ी तो भाई एक नंबर है और प्राइसिंग भी भाई बहुत बढ़िया है, अलग है, अलग है, अलग है, एकदम अलग, एकदम अलग। तो भाई मज़ा आ जाता है यहाँ पे वीडियो बनाने से। तो चलिए अभिजीत जी नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में कुछ और नए कलेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।